की चालबाजी का जवाब देने के लिए भारत ने नया रास्ता निकाल दिया है। चीन एलएसी के पास कोई ना कोई ऐसी हरकत करता रहा है जिसके बाद उसे ही टेंशन होती है। लद्दाख को अब साल भर देश से जोड़े रखने के लिए बीआरओ तीसरा रास्ता तैयार कर रहा है। यह रास्ता बनाना बेहद जोखिम भरा था। सरकार ने इस रास्ते पर आने वाले इकलौते पास शिंगुलापा टनल बनाने की मंजूरी दे दी है। क्यों ये रास्ता है देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। बीस साल पहले देखा गया सपना पूरा हो रहा है। लद्दाख को अब साल भर देश से जोड़े रह पाना संभव हो जाएगा। ये रास्ता होगा मनाली से हिमाचल के दारचा और शिंकुला पास से होते हुए लद्दाख की जांस्कर वैली के जरिए। सरकार ने इस रास्ते पर आने वाले इकलौते पास शिंगुला पर टनल बनाने के काम को मंजूरी दे दी है जो 2025 तक पूरी हो जाएगी। इस टनल के बनते ही ये रास्ता लद्दाख के लिए तीसरा रास्ता बनने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे निम्मू पदम दारचा या एनपीडी रोड का नाम दिया गया है। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जिम्मेदार सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ इस मुश्किल इलाके में इस तीसरे रास्ते पर 3 साल पहले से ही काम कर रहा है। इस रास्ते में बर्फबारी कम होती है और ज्यादातर रास्ता नदी के साथ साथ चलता है, इसलिए ये इकलौता रास्ता होगा जिसके जरिए भारी बर्फबारी में भी लेह और करगिल का सड़क मार्ग खुला रहेगा। खासतौर पर 2020 में लद्दाख में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद बीआरओ बहुत तेजी से सड़कें, पुल और सुरंग बना रहा है। तो ये टोटल 103 प्रोजेक्ट्स जिनकी कॉस्ट 2900 करोड़ है, वो उसमें 67 ब्रिजेस हैं, 30 सड़कें हैं, 3 हेलीपैड्स हैं और बाकी कुछ अलाइड हमारा इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो ये देखते हुए आपको मालूम चलेगा कि जितना फोकस हमने प्रोजेक्ट्स पे किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे नदन बॉर्डर्स में। तरह से सुरक्षित है क्योंकि न तो श्रीनगर लेह राजमार्ग पर करगिल जैसे ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान इसको काट सकता है और न ही रोहतांग दर्रे के रास्ते मनाली से लेह तक आने वाली सड़क जैसे एवलेंशेज और भारी बर्फबारी है। पूरी सड़क जांस्कर नदी के साथ साथ चलती है लेकिन सकरी घाटियां और ऊंचे पहाड़ इस सड़क को बनाने में सबसे बड़ी रुकावट थी। यहां मदद की नई तकनीकी। मनाली से करगिल जाने के लिए साल भर खुली रहने वाले इस सड़क से दूरी 485 किलोमीटर हो जाएगी जो पहले 700 किलोमीटर थी। इस सड़क पर केवल एक पास होने और सड़क पहाड़ों के नीचे से जाने की वजह से ये दूरी भी 9 से 10 घंटे में तय हो जाएगी। लेह को इस सड़क से जोड़ने से मनाली की 475 किलोमीटर की दूरी घटकर लगभग 400 किलोमीटर रह जाएगी।
लेकिन इसके लिए अभी निम्मू से आगे 30 किलोमीटर के रास्ते को जोड़ना है। यहाँ पहाड़ों को काटकर सड़क बनाने का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। कड़ी मेहनत और लंबे इंतजार के बाद कोई कामयाबी हासिल होती है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन अगर वो कामयाबी ऐसे वक्त हासिल हो जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। लद्दाख को पूरे देश से जोड़ने वाला तीसरा रास्ता यानी थर्ड एक्सेस ऐसे समय खुला है जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तनाव चरम पर है और अगले कुछ दिनों में ही दो रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो सकते हैं। लद्दाख को देश से जोड़ने वाला ये तीसरा रास्ता पूरे साल खुला रहेगा, इसमें अवलांश का खतरा ना के बराबर है और लेह से मनाली की दूरी दो दिन से घटकर 9 से 10 घंटे की रह जाएगी। भारत ने पिछले कुछ सालों में सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम में तेजी लाई है। भारत ने चीन के साथ लगती सीमा पर हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत तेजी से सड़कों, पुलों और सुरंगों का जाल फैलाना शुरू किया है। पूर्वी लद्दाख में सबसे महत्वपूर्ण नए श्योक पुल को पिछले साल शुरू कर दिया गया, जिससे होकर अब टैंक भी आराम से जा सकते हैं। वर्तमान सरकार ने जब से कार्यकाल शुरू हुआ है 2014 से BRO की कार्यशैली में उसके बाद में बहुत परिवर्तन आया है। जमीन आसमान का क्रांतिकारी परिवर्तन मैं कहूँगा, और तभी ये प्रोजेक्ट्स जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो हो पा रहे हैं, क्योंकि जब अशोर्ड फंडिंग होती है तो सड़क भी तेजी से बनती हैं। जब हमें रिसोर्स जो हमें चाहिए, मशीनें चाहिए, वो सब प्रदान किए जाते हैं तो उसी से सड़कें तेज होती हैं। भारत ने चीन के साथ लगती सीमा पर हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत तेजी से सड़कों, सुरंगों का जाल फैलाना शुरू किया है। पिछले कुछ सालों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को बहुत टेंशन हो रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लद्दाख।